आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। यूक्रेन में फंसी पलवल की छात्रा का वॉइस मैसेज सुनकर मां के आंसू छलके, जिला प्रशासन ने परिजनों को दिया दिलासा। रेवाड़ी में निकाले गए कंपनी कर्मचारियों ने शुरू किया धरना, कंपनी के बाहर बीवी बच्चों के साथ धरने पर बैठे कंपनी कर्मचारी, वापस लेने की जिद पर अड़े कंपनी कर्मचारी, साथ ही कंपनी प्रबंधन पर मनमानी का लगाया। मैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं और उनको नोटिस दिया, बिना नोटिस दिए गए और कंपनी से निकाला गया, उसके रीजन से हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे घर में एक ही कमाने वाला है और उसकी भी जॉब चली जाएगी तो कोई है ही नहीं कमाने वाला, तो हम क्या करें, हमें रोड पे तो हम है ही, तो इससे बेटर है ना रोड पे है, कुछ तो हमारा कुछ तो इंसाफ तो होना चाहिए ना। नहीं कह रहे हैं ना, बाहर आ रहे हैं ना, अभी तक कुछ रिप्लाई दिया है, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, फास्ट है, कुछ खाया पिया नहीं है, बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे हुए हैं। तो शाहबाद मारकंडा में विधायक रामकरण काला और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के समर्थकों में जुबानी जंग, बीजेपी युवा मोर्चा की टीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक रामकरण से मांगा जवाब, कहा पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आपके किस काम में बाधा डाली। मीटिंग बुलाई है, बेसिकली हमने बुलाई है इसलिए कि विधायक जी ने, हमारे सम्मानित विधायक जी ने पिछले दो दिन पहले यूज किया था मंत्री जी के लिए, कहा था कि भी वो हर काम में मेरे रोड़ा अटकाते हैं कि प्रोग्रेस का काम नहीं होने देते शाहबाद में, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण नाते शाहबाद के और एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते ये जानना चाहते हैं, या उनसे ये जानना चाहते हैं कि भी ऐसा कौन सा प्रोग्रेस का काम ऐसा है जिसमें कि उन्होंने रोड अटकाया हो, जिसमें पलवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गांजा तस्करी में एसआई समेत 6 गिरफ्तार, 2.25 करोड़ रुपए का गांजा भी बरामद। एक भारी नाका लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे नाकाबंदी करके और इससे करीब कोई 13 क्विंटल 69 किलोग्राम 75 ग्राम, तो ये 13 क्विंटल 69 किलो 75 ग्राम गांजा बरामद किया है, तो नियमानुसार हमने इसमें कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के, नायब तहसीलदार थे हमारे संजीव नागर, उनको मौके पर बुलाया गया, उनके प्रेजेंस में नियमानुसार इसकी कार्रवाई की गई है। तो इसमें जालंधर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान, इस अभियान के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ भी किया बरामद, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। चेकिंग के दौरान ताजपुर वंडरलैंड मोड़ के ऊपर एक कार जिन नंबर BB08AM4074 जिस करमजीत सिंह और जस सानू सुरजीत सिंह वासी रामपुर चला रहा सी, इसके नाल इसकी वाइफ चरणजीत कौर, इसका साला इंद्रवीर सिंह और इंद्र बैठे सन, जिन्हें तलाशी करते कार के डैशबोर्ड विच्चों 250 ग्राम अफीम। जालंधर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रूस यूक्रेन युद्ध का किया विरोध, इसके साथ ही भारतीय छात्रों की सरकार से जल्दी वतन वापसी की मांग। देखो जी, जड़ी ये रूस यूक्रेन ते हमले कर रहा, जड़ी ने हत्थे लोकां ते जंग जड़ी ये थोपी जा रही है, ये जिथे जेडे उत्थे भारतीय स्टूडेंट फसे हुए आ उन्हां नूं भारत जड़ी सरकार आ उन्हां दी सुरक्षा यकीनी बनावे ते उन्हां नूं सुरक्षित देश लैके आवे। स्टूडेंट्स अजे उत्थे अपने भारतीय जेडे स्टूडेंट आ उह चंग फसे हुए आ, अजे पूरी तरह उन्हां नूं बाहर नहीं कढ़िया, जेडी स्टेट जिहड़ियां दूसरियां स्टेट्स आ जिथे अजे जंग नहीं हैगी उत्थों बाहर कढ़ लिया गया, पर जिथे जंग अजे हैगी आ उत्थे स्टूडेंट। फिरोजपुर के CIA स्टाफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, एक नशा तस्कर को किया पुलिस ने गिरफ्तार, उसके कब्जे से 1 किलो 574 ग्राम हेरोइन के साथ 50,000 की नकदी भी बरामद, पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जिसते उसे टाइम पुलिस पार्टी ने मुस्तैदी नाल उसे कार रेड की, जेडे उसके साथी सी शिवा ते अनमोल, दो उसके साथी सी के बारे के पिंड ने, जिन्हां दे घर तो 715 ग्राम हेरोइन ते 550,000 रुपए ड्रग मनी बरामद हुई, ते ओ जेड़े दोनों
शिवा ते अनमोल ने तो मौके तो भजन से कामयाब हो गए। पुलिस पार्टी ने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश अगे लैके जा रहे हैं। टोटल 1 किलो 574 ग्राम हेरोइन ते 50,000। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। इस बीच श्री मुक्तसर साहिब में परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। परिजनों ने रोष मार्च निकालकर गुहार लगाई। ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ। ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੇ ਬੀਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਕੀ ਜੰਗ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਛਾਤਰੋਂ ਕੇ ਪਰਿਜਨੋਂ ਕੀ ਬੜਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਪਰਿਜਨੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਕੀ ਗੁਹਾਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਚੈਟ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਅਤੇ ਨੋ ਸਾਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਹੋਏ ਭਿਕਾਰੀ ਕੋ ਕੁਚਲਾ। ਭਿਕਾਰੀ ਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਸੇ ਫਰਾਰ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਝੁੱਗੀ ਮੇਂ ਲੱਗੀ ਆਗ। ਆਗ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਜੁਟੀ। ਬਿਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੀ ਕਰ। ਮਹਾਦੇਵਾ ਮੇਂ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੇ ਫਾਗੁਨੀ ਮੇਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਅਲਰਟ। ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਉਮੜਾ ਸੈਲਾਬ। रूसी हमले से यूक्रेन में हालात खराब। यूक्रेन से वापस लौटा गोंडा का जैनुद्दीन अंसारी। सकुशल वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल। हम लोग को सब कुछ सुविधा अब दिया गया। फिर वहां से हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग का फ्री टिकट हुआ रोमानिया के एयरपोर्ट से इंडिया तक। इंडिया तक फ्री टिकट और घर तक भी पहुंचाने का कोशिश की और घर पर मैं सुरक्षित पहुंच गया हूं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं और कि मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूं और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं। शूटिंग वर्ल्ड कप में मेरठ के सौरभ ने जीता गोल्ड। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सौरभ ने देश का किया प्रतिनिधित्व। फाइनल में खराब शुरुआत के बाद टॉप पर पहुंचे सौरभ। और हमें हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस। हमीरपुर से हरियाणा जा रही थी बस। हादसे में कई लोग घायल। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक स्लीपर बस जो हमीरपुर के मौदहा से चलकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसमें सवारियां सवार थी, यहां मेहौली में अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें तत्काल हमारी PRB 2636 जो थी मौके पर आई और कोतवाली पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 25 लोग घायल हैं, सबको सकुशल हॉस्पिटल पहुंचा दिया। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां तेज। चंबा में आप सदस्यता अभियान पर दे रही जोर। आपकी स्थानीय लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू।
सर मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैंने दोनों पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को बीजेपी को, वो सिर्फ शोषण करते हैं, हमारा शोषण किया आज तक उन्होंने, कुछ नहीं है, झूठे झूठे वादे किए जितने भी किए। यहाँ पे आपने देखा होगा कोई फैसिलिटी नहीं है, ना सड़क है, ना टावर है, ना कोई डिस्पेंसरी है, यहाँ पे एक वेटनरी है, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, स्कूल में कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि। अब हम काम देख रहे हैं केजरीवाल जी का दिल्ली में, तो कुछ बता। ओलंपिक खेलने ब्राजील जाएगा मंडी का रेसलर विजय चौधरी। विजय ने शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में दर्ज कराया अपना नाम, क्षेत्र में खुशी की लहर। आज यहाँ दिल्ली में जो 54वें डेफ ओलंपिक ब्राजील के लिए जो ट्रायल हुआ उसमें स्टुंजा केजी में इसने पहला स्थान प्राप्त करके क्वालिफाई किया, और 60 केजी में भी इसने ग्रीको रोमन में जो है पहला स्थान प्राप्त करके उसमें भी क्वालिफाई किया। तो बड़ी खुशी की बात आज मेरे लिए है कि मेरे लड़के ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये बहुत मेहनत। बिलासपुर में उद्यान विभाग ने मनाया प्रथम सेवा दिवस, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की शिरकत, सेवा परियोजना के लिए 1688 करोड़ रुपए स्वीकृत। इस एचपी सेवा प्रोजेक्ट का आज के दिवस में एक विशेष रेलेवेंसी, जिसको हम कहते हैं कि एक सामयिक दृष्टि से, उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए, हम किसानों के लिए, बागवानों के लिए एक आगे बढ़ने का एक प्रेरणा। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू का किया दौरा, फोरलेन प्रभावितों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, कहा विधानसभा में उठाएंगे फोरलेन प्रभावितों का मुद्दा। आज मैं देख रहा हूं कि पूरे लोग समय समय पर कितनी बैठकें हो चुकी है, सरकार से बैठकें हुई, पूर्व में भी कमियां रही, मैं नहीं कहता हूं कि, लेकिन एक बात जरूर है, जहां तक आपका इसमें जो भी जिस प्रकार से सरकार को चिंता करनी चाहिए थी, मेरा अपना विपक्ष जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जो मेरी चर्चा हुई और सीआरटी में हमने। नाहर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, 4 दिवसीय शिविर में दिव्यांग बच्चे ले रहे हिस्सा, शिविर के दौरान बच्चों को देंगे अहम जानकारी। एक थेरेपेटिक कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो कि लगातार अगले 3 दिन तक चलेगा, यदि विद्यार्थी ज्यादा बढ़ गए तो शायद इसको 4 दिन भी हमें चलाना पड़ेगा। ये कैंप हर साल विद्यार्थियों के लिए जो है लगाया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया जाता है, तो जो विशेष रूप से सक्षम बच्चे होते हैं तो उनको कुछ डॉक्टरी सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ उनको जो है हमारे स्पेशल एजुकेटर जैसे मनोज जी हैं, सुषमा जी हैं, वो ये भी बताते हैं कि इन बच्चों। हल्द्वानी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, किसी के हताहत होने की नहीं है कोई सूचना। हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने मकान का तोड़ा ताला, लाखों के जेवर और नकदी पर किया हादसा, पुलिस की गिरफ्त में चोर। चोरीनी टीमों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास करते हुए 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पुष्पेंद्र और एक मामचंद है, और जिनमें चोरी में गया लगभग 4 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है, और इन दोनों चोरों के विरुद्ध पहले भी बुलंदशहर में आपराधिक घटनाएं दर्ज है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।